हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, रुकेगा पलायन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने पैतृक रामगढ़ के बरलंगा गांव नेमरा में अपने दादा सोब्रम सोरेन के शहादत के मौके पर सरकार की उपलब्धियों व चलाए जा रहे विकास योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों की आय में वृद्धि हो, यह सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पशुधन योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पता चला है कि राज्य के लाखों मजदूर बड़े शहरों में काम करने को मजबूर हैं। अब ऐसे मजदूरों को अपने ही गांव घर में रोजगार मिले, यह सरकार प्रयास कर रही है, इससे पलायन को रोकने में कामयाब होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में दिसंबर माह के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ेगी। इस समय तक न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस के करीब या फिर इससे नीचे पहुंचने के आसार हैं। राज्य में 2 और 3 दिसंबर को कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होगा। सिस्टम के मजबूत होने का असर झारखंड में 1 दिसंबर से दिखेगा। इस समय आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद आसमान में बादल छटने के बाद पारा नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान का पारा धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। अभी राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 12.1, डाल्टनगंज का 12 और जमशेदपुर का 16.2 डिग्री सेल्सियस है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी सुबह और शाम में आमजन जो है ठंड महसूस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासवान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलने व आरटीई अधिनियम 2019 में संशोधन को निरस्त करने के संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा। पासवा ने आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव की समाप्ति को देखते हुए नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोला जाना चाहिए। कहा है कि पिछले 18 महीने से पठन पाठन बिल्कुल ही बंद है और बच्चे घरों में रहकर पढ़ाई से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। ऐसे में पठन पाठन के लिए नर्सरी से कक्षा 6 के बच्चों को एक निश्चित गाइडलाइन के तहत स्कूल जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 26 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लातेहार ने 26 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। जो युवा या नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और फटाफट आवेदन करें। इसमें प्रखंड जो है तकनीकी प्रबंधक के 6 पद और सहायक तकनीकी प्रबंधक के 19 पद हैं। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता MSc जबकि सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए योग्यता BSc निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए latihar.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं JPSC PT परिणाम रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 7वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीटी परीक्षा में शामिल उम्मीदवार शेखर सुमन ने याचिका दायर की है। याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल उत्तर गलत होने का दावा किया गया है। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि कुल 8 प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत हैं, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त किया जाए। याचिका में मुख्य परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए भाजपा का सभी प्रखंडों में धरना। राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा ने राज्य के विभिन्न प्रखंडों में शनिवार को धरना दिया। रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश भी धरने पर बैठे। इस दौरान जो दीपक प्रकाश ने कहा कि धरने के जरिए सरकार को पंचायत चुनाव कराए जाने की चेतावनी दी जा रही है। पंचायत चुनाव से पंचायती व्यवस्था मजबूत होगी, ग्राम राजस्व का उद्देश्य पूरा होगा, ग्राम विकास का काम तेजी से हो सकेगा, लेकिन सरकार चुनाव से भाग रही है। यह पूरी तरह से तानाशाह और निरंकुश सरकार है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में लगी है। पार्टी कार्यकर्ता इस सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर देंगे, पंचायत चुनाव जल्दी कराने को बाध्य करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट
बजट की तैयारी में सरकार 15 तक विभागों से मांगी गई 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट। झारखंड सरकार में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सभी विभागों को अपना अपना बजट 15 दिसंबर तक तैयार करने के निर्देश दिया गया है। इसके बाद बजट पर विभागवार मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे। इस प्रकार विभागों के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के क्रम में विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब तक की तैयारी के मुताबिक नए वित्त वर्ष 2021-22 में भी जो है आउटकम बजट लाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वह वित्त वर्ष 2020-21 में पेश किए गए आउटकम बजट के मुताबिक अपने प्रदर्शन पर आधारित रिपोर्ट भी बनाएं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया। राज्यपाल रमेश बैस से शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात कर अपनी बहन आशा सोरेन की शादी का निमंत्रण कार्ड भेंट किया और उन्हें विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। अगली बड़ी खबर की बात करो तो केंद्र की फटकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर जताई नाराजगी। दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में सभी उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय सचिव ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी आवास को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कर लिए जाए। केंद्रीय सचिव ने मनरेगा योजना की भी तारीफ की है और कहा है कि इसका काम बेहतर तरीके से हो रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लाएं। केंद्रीय सचिव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 के बीच जो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं उन्हें हर हाल में दिसंबर 2021 तक स्वीकृत कर दिए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात को दोनाई कोरोना वेरिएंट से दहशत। इमरजेंसी मीटिंग में PM मोदी ने कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, इस बार कोई चूक ना हो। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजनाएं हैं उनकी फिर से समीक्षा भी की जानी चाहिए। मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देश डर गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया है कि देश में इस वेरिएंट के अब तक 22 केस मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया घाटो इलाका। झारखंड के रामगढ़ जिले में वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र शनिवार को गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाके से थर्रा गया। झारखंड के कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के 3 गुर्गे बाइक पर सवार होकर वेस्ट बोकारो में टाटा स्टील की आउटसोर्सिंग कंपनी की साइट पर पहुंचे। यहां के वे अत्याधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिए। साथ ही कार्यालय में कई जो है बम के धमाके किए। इस जो है बमबाजी में वहां कार्यरत 7 कर्मी बम के छर्रे से घायल हो गए। इसमें 6 कर्मी आउटसोर्सिंग कंपनी की जो है साइट में काम करते थे, वही एक MIS कंपनी का सुरक्षा प्रभारी है। हालांकि घटना में किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई है। सभी को प्राथमिक इलाज टाटा स्टील के अस्पताल में किया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद वेस्ट बोकारो की पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में आसपास के थाने से जो है पुलिस बल को जो है वेस्ट बोकारो भेजा गया। पुलिस आसपास के इलाकों की जांच कर रही है, साथ ही घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ करके अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो, कोविड में मारे गए लोगों के परिजनों को मिले आर्थिक सहायता। राजेश, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में कोविड से मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा मिले। उन्होंने केंद्र सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए मांग की है कि राज्य सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अपने हिस्से का 1,00,000 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान करे। उन्होंने कहा कि केंद्र के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि सरकार को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 4,00,000 रुपये का मुआवजा देना होगा। इसके लिए उनकी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार कॉरपोरेट घरानों को वित्तीय मदद देने वाली है और कोविड से मारे गए लोगों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करो, आजसू पार्टी का पिछड़ा वर्ग महासभा सम्मेलन 1 दिसंबर को। आजसू पार्टी अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन 1 दिसंबर को
रांची स्थित आसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में होगा। सम्मेलन को लेकर पिछड़ा वर्ग महासभा के सभी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से झारखंड के पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करना है। पार्टी के मुताबिक झारखंड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 1200 से ज्यादा पद खाली, पहले राज्यपाल अब यूजीसी ने जताई चिंता। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। शिक्षकों के 40-50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग ने इस पर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस बाबत पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और आगामी 31 दिसंबर तक शिक्षकों की अपडेटेड लिस्ट यूजीसी के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इससे पहले बीते 5 नवंबर को झारखंड में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल रमेश बैस भी शिक्षकों के पद रिक्त पड़े रहने पर गहरी चिंता जता चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो चारा घोटाला, लालू प्रसाद की ओर से 29 को रखी जाएगी दलील, 70 आरोपियों की ओर से बहस पूरी। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से सोमवार से बहस प्रारंभ की जाएगी। पिछले दिनों उनके अधिवक्ता ने यह जानकारी दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो आंदोलन का आगाज, कोडरमा में न्यायाधीश के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। झारखंड के अलग अलग जिलों में शनिवार को अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी व हड़ताल हुई। कोडरमा में कोडरमा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता न्यायाधीश कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। कोडरमा में अधिवक्ताओं ने शनिवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। संघ के सचिव मनीष कुमार ने कहा है कि अधिवक्ता संघ की मांग है कि तत्काल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानांतरण किए जाए। कहा कि उनके कार्यकाल में बार और बेंच के संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। दावा किया कि स्थानांतरण होने तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो मतदान सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए आवेदन लिए गए। रांची जिले में नए वोटरों को जोड़ने व नाम सुधार के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष काम का आयोजन शनिवार को किया गया। रांची के सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद थे और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए आवेदन लेते रहे। मालूम हो कि नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2022 को अहर्ता तिथि मानकर वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 1 से 30 नवंबर तक चलाना है, जिसके तहत 5 दिन विशेष काम का आयोजन किया जाना था। इसमें से 20 और 21 नवंबर और 24 एवं 27 नवंबर को काम का आयोजन किया जा चुका है। वहीं आज 28 नवंबर को भी विशेष काम का आयोजन होगा। विशेष कैंप में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बूथ पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग, झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बोले पीएम से करूंगा निवेदन, नए वेरिएंट पर समय रहते कदम उठाने की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की मांग उठने लगी है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने शनिवार को कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो इसके फैलने का खतरा रहेगा। साथ ही इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट जो है बोत्सवाना की शुरुआत, रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। यह डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सोनभद्र के रेल यात्रियों को आज से राजधानी की सुविधा, सोनभद्र के रेल यात्री आज से राजधानी के सफर का लुत्फ तो उठा सकेंगे। रेणुकूट और चौपन स्टेशन से रांची के लिए रवाना होने वाली राजधानी एक्सप्रेस को शनिवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। 12454 राजधानी एक्सप्रेस अब रविवार की सुबह 2:45 पर 54:45 पर रेणुकूट स्टेशन पहुंचेगी। दोनों ही जगहों पर इस ट्रेन का क्रमशः 5:02 का स्टॉपेज दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करो, सेवा निवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक 5 दिसंबर को। झारखंड राज्य सेवा निवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे महासंघ कार्यालय में होगी। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बाबन चौबे ने बताया कि वर्ष 2016 के पूर्व जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार अभी भी पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेजुएटी व अन्य जो है आर्थिक लाभ का पूरा भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ लगातार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। संघर्ष के जो है कार्यक्रम को तय करने के लिए 5 दिसंबर को महासंघ कार्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों की बैठक होगी। इसमें जो है संघर्ष के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो नई शिक्षा नीति ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम, अमित खरे। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के सलाहकार अमित खरे मौजूद थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि यह नीति ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक परिदृश्य और भारतीय ज्ञान जो है परंपरा के बीच तालमेल स्थापित करता है। कहा कि इसका मूल उद्देश्य मौलिक ज्ञान को बढ़ावा देना है, इस कारण भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।